अस्सलामुअलैकुम, खैर के सफर में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम फंस गए थे जाम में। जाम बहुत ज़्यादा था क्योंकि एक रोड पूरा ब्लॉक कर रखा था, एक रोड पे ही सारा जाम आ गया था क्योंकि आज थी शिवरात्रि। शिवरात्रि के चक्कर में ये झांकियाँ वगैरह जा रही थी तो उसी की वजह से जाम बहुत ज़्यादा हो गया था। हम निकले थे आज घर से बस इवनिंग घूमने। वो यूँ हमारे हस्बैंड ने कहा आज वुमेंस डे है और चलो तुम्हें कुछ खिला पिला लाएँ, घुमा लाएँ कहीं, तो बस हम उसी के लिए निकले थे घर से। मगर हमें नहीं पता था कि रास्ते में इतना ट्रैफिक हो जाएगा, तो धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ रहा था और हम भी उसके साथ आगे बढ़ रहे थे। तो आज था वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल माय फेवरेट, आई मीन माय मदर इन लॉ, माय सिस्टर्स, माय सिस्टर इन लॉ, माय ऑल सब्सक्राइबर, माय फ्रेंड, माय लव, मतलब जो भी मुझसे एक एक वुमन जुड़ी है वो उन सबको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बिकॉज ऑफ मैंने तो ये कहा, सोचा है कि देखिए कोई भी स्पेशल दिन नहीं होता है, आपको जब जहाँ जैसे मौका मिले अपने स्पेशल फन को स्पेशल फील कराते रहिए, उनको प्यार मोहब्बत देते रहिए, इजहार करते रहिए प्यार का। तो बस इसी उससे हम आ गए थे। हम तो आते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, किसी भी दिन शाम को निकल आते हैं। तो आज हम आ गए थे फिर अपने फेवरेट प्लेस अजंता। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ, और इवनिंग में ख़ास करके लाइटिंग वगैरह बाहर रोड साइड पर खड़े होकर खाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर हमने आज ऑर्डर करी थी राज कचौरी, ये मैंने अभी तक नहीं खाई थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आज हम तुम्हें राज कचौरी खिलवाते हैं इसमें, तो मैंने कहा चलो देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तो मैं फिर आ गई थी इनके काउंटर पर, यहाँ पर इनका ओपनिंग किचन है, इसमें देखिए ये हमारे लिए राज कचौरी तैयार कर रहे हैं। इन्होंने पहले ले ली इतनी बड़ी सी कचौरी, इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले डाली नमकीन, उसके बाद ये बॉइल्ड आलू थे, उसके बाद मतलब इतनी बड़ी कचौरी को भी पूरा भर देंगे, है ना, ऐसे ही होता है शायद। और फिर इन्होंने डाला इसमें पता नहीं क्या डाला, शायद अनियन डाली है। और ये इन्होंने इसमें मीठी चटनी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, ये सारे मसाले इनके साइड में रखे हुए हैं। ये इन्होंने डाली इसमें मीठी चटनी। अच्छा, कंजूसी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ भर भर के डाल रहे हैं। और अब इन्होंने डाली खट्टी चटनी, फिर ये डाला इन्होंने दही, इसके बाद ये डाल रहे हैं इसमें भल्ला, वही जो दाल के भल्ले बनते हैं और दाल भल्ले होते हैं उसके वो, उसके बाद इन्होंने डाला इसमें दही और दही और दही। ओ माय गॉड, कितना दही डालेंगे ये, वाह, इन्होंने तो पूरा दही से फिल कर दिया। इसके बाद इन्होंने इसमें डाली फिर से मीठी चटनी, फिर से खट्टी चटनी, और फिर इन्होंने इसमें डाला मिर्च मसाला सारा, और फिर इसमें डाली इन्होंने बारीक सेव, अनार के दाने, और गार्निश कर दिया इन्होंने हरा धनिया और चुकंदर से। और इसके बाद हम अपना ऑर्डर लेकर आ गए अपनी टेबल पर, यहाँ खड़े होकर हमने खाया और रोड साइड इंजॉय किया। अच्छा लगता है ना साइड में लाइटिंग वगैरह, और यहाँ साइड में खड़े होकर खा रहे हैं। और फिर यहाँ मैंने बनाई एक रील, बस इसी के साथ हम लोगों ने खाया, बहुत अच्छा था, टेस्टी था, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की बट अच्छी थी, बहुत अच्छी। इसके बाद मेरे हस्बैंड मुझसे बोले कुछ खाना पीना तो हो गया है, अब आप कुछ लेना चाहें तो ले लें अपने स्पेशल डे पर। तो मैंने यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन पकड़ ली चॉकलेट। चॉकलेट मैंने क्या ली थी, मुझसे पहले अक्कू ने उस पर कर लिया कब्ज़ा। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए घर जाने के लिए। अब यहाँ पर शाम का इवनिंग का जो व्यू होता है या लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी हो गई है, ये देखिए कितनी प्यारा लग रहा था। और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, देखिए बादल कैसे लाल लाल हो रहे हैं, सनसेट मतलब हम ऐसे ही हो रहा होगा, शायद 7:30 बज रहे होंगे, देखिए सूरज बिल्कुल डूब चुका था और कितना अच्छा मौसम हो रहा था। बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूंगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।